भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा पहला वनडे मुकाबला बेहद शानदार तरीके से ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ने पहले ही दबोच लिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले किया यहां पर बल्लेबाजी का फैसला, और उनके फैसले को गलत पहले तो बुमराह ने साबित किया, उसके बाद अश्विन ने, और फिर यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर जो कि डेब्यूटेंट है मध्य प्रदेश के इंदौर के बेहतरीन खिलाड़ी जिन्हें आज मौका दिया गया है, उन्होंने एक बेहतरीन रन आउट किया है। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बिना पर हार्दिक पांड्या का विकल्प यहां पर टीम इंडिया जब तलाश रही थी तो वेंकटेश अय्यर ने यहां पर पूरे तरीके से अपने हाथ खड़े किए और जबरदस्त अंदाज से टीम में अपनी जगह बनाई बतौर बल्लेबाज। उनका रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है नंबर 5 नंबर 6 पर, और मौका यहां पर मिला और यहां पर वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त तरीके से एडन माक्रम जो कि दक्षिण अफ्रीका टीम की रीढ़ कहे जाते हैं उनका विकेट यहां पर चटका दिया है। मार्क्रम पर काफी ज्यादा निवेश भी किया है दक्षिण अफ्रीकी टीम ने, और उस निवेश को ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से बुना नहीं पाई यहां पर दक्षिण अफ्रीकी टीम, क्योंकि बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मार्क्रम लेकिन रन लेने के चक्कर में अपना विकेट यहां पर गवा बैठे। वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त अंदाज से यहां पर एक थ्रो मारा और जबरदस्त तरीके से उन्होंने विकेट यहां पर चटका दी और जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है टीम इंडिया की तरफ से। फिलहाल 70/3 है यहां पर भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोशिश जो कर रहा है वो काफी जबरदस्त नजर आ रही है। कप्तान टेम्बा बवुमा से अब यहां पर उम्मीदें हैं और उसी उम्मीद को कायम रखने की पूरी कोशिश कर रही है यहां पर टीम इंडिया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।